Hello folks, in this video we will learn about some common mistakes in English whenever you are writing something, whenever you are speaking. So this video is very precious for those, definitely for you, if you are preparing for IELTS exam. Either the IELTS academic or channel training, either you are preparing for PTE academic exam, like for the fill in the blanks of this exam, essay writing, some writing and text, you are preparing for self-prep exam or any government related exam like bank, SSC. So definitely ye video aap sabhi ke liye bahut important hai. Is video mein hum seekhenge the pronunciation preposition mistakes. So, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? So, we will do the assessment of your skill. Then we will understand the logic behind your mistake. And at last, I will offer you a checklist and I will give you some test also to assess your progress. So, first task is this one. This is a sentence for you. The sentence is, let's discuss about the upcoming projects. तो अब आप इस मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, अगर है या नहीं है, अगर है तो क्या है, और उसको अपनी एक नोटबुक पे नोट करिए. ये प्रैक्टिस क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आप पीटी कर रहे हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी. आईएएस की स्पीकिंग और राइटिंग में आपको हेल्प मिलेगी इस स्किल से, और अगर आप बैंक या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इन द ब्लैंक्स में हेल्प मिलेगी. क्लोज टेस्ट. सो अब आप मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है, और इसका राइट सेंटेंस क्या होगा. सो डेफिनेटली ये सेंटेंस रॉन्ग है. यूजली वी आर हैबिचुअल टू स्पीक लाइक आई हर्ड मेनी पीपल दे आर सेइंग लेट डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट. सो लेट डिस्कस अबाउट द अपकमिंग प्रोजेक्ट. आप बताइए. सो इसमें मिस्टेक ये है. करेक्ट क्या सेंटेंस होगा? करेक्ट सेंटेंस है लेट डिस्कस द अपकमिंग प्रोजेक्ट, नॉट अबाउट द प्रोजेक्ट. क्यों? ये उसका रीजन है. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इस वीडियो का दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको ये लॉजिक एक बार में नहीं क्लियर होता है, कि प्रपोजिशन अबाउट इज अननेसेसरी हियर. Whenever you are talking about a subject, use the verb discuss directly followed by the topic. ठीक है, यानी कि discuss के बाद topic को directly present करें without using about preposition. About को आप completely omit कर दीजिए. Omit मतलब remove कर दीजिए. About की जरूरत नहीं है. ठीक है. Okay, the next sentence is they apologize me for the misunderstanding. ये भी sentence सुनने में काफी correct सा लगता होगा. Because I heard some people like this is whenever they are speaking something they say like this. So बताइए कि क्या यहाँ mistake है? ये हो सकता है, हो होता है, नहीं हो. अब आप डिसाइड करके बताइए कि क्या यहाँ कुछ मिस्टेक है, अगर है तो क्या है, और नहीं है तो ठीक है. टाइम चाहिए आपको. दे अपोलोजाइज्ड मी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग. हाँ जी, कुछ मिस्टेक मिली आपको टू द मिसअंडरस्टैंडिंग. क्या क्या होगा यहां बताइए. ठीक है, आप अपने आंसर को एक पेपर पे नोट कर लीजिए और मैं आपको बताना चाहूंगा. डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग सेंटेंस. करेक्ट सेंटेंस आपका होगा दे अपोलोजाइज टू मी for the misunderstanding, not apologized me, apologized to me. इसके लॉजिक को पहले मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं.
अप्रोचाइज टू एक कोलोकेशन है। कोलोकेशन क्या होती है ये मैं आपको अदर वीडियो में बताऊंगा, पर ये एक कोलोकेशन है। ओके, अपोलोजाइजिंग वी अपोलोजाइज टू समवन ऑलवेज, ठीक है। आई अपोलोजाइज टू सर, नॉट अपोलोजाइज सर, टू सर, ठीक है। देयरफॉर द करेक्ट प्रपोजिशन टू यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज टू इंडिकेट द रिसिपिएंट ऑफ द अपोलॉजी। ओके, ठीक है। दो चीजें अभी हम सीख चुके हैं इस बारे में। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अभी। नाउ द नेक्स्ट वन, शीज मीन्स शी इज, शी इज एक्साइटेड फॉर हर ट्रिप ऑन पेरिस। बताइए ट्रिप ऑन पेरिस एक्साइटेड फॉर, कहाँ मिस्टेक है भी या कि नहीं है, सर ने ऐसे दिया है। बट अगर इस वीडियो में अगर मैं इफ आई इंपॉर्टेड दिस आर्टिकल दिस सेंटेंस इन दिस वीडियो, सो डेफिनेटली देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज एन एरर इन दिस स्टेटमेंट। सो व्हाट इज दिस वन, दिस वाज अ क्लू फॉर यू कि डेफिनेटली दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा पहले तो आप मुझे बताइए, और इसको पेपर पे नोट करिए, कमेंट बॉक्स, कमेंट में भी आप दे सकते हैं अपने आंसर्स मुझे। आपका कोई डाउट होगा वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी आप बताइए मुझे यहाँ पे, शी इज एक्साइटेड क्या आएगा, फॉर सही है रॉन्ग है, फॉर हर, बिकॉज ये तो पता है आपको कि प्रपोजिशन मिस्टेक थ्री है, ये थर्ड सेंटेंस है प्रपोजिशन मिस्टेक का, तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन है, फॉर है ऑन है, ये क्या मिस्टेक हो सकती है, कहाँ हो सकती है। चलिए आई सपोज कि आपने नोट कर लिया है पेपर पे आपने राइट आंसर को। नाउ लेट मी डिस्कस, लेट मी रिवील, दिस करेक्ट सेंटेंस विल बी शी इज एक्साइटेड फॉर हर ट्रिप टू पेरिस। अच्छा जी, फिर से मैं इसे एक बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। हमेशा कहीं भी अगर ट्रिप होता है ना तो ट्रिप टू ही यूज करिएगा, ट्रिप और यूज नहीं करिएगा। अच्छा जी, अब ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है आपके लिए कि आप कुछ अगर आप अभी कंफ्यूज हो जाते हैं भूल जाते हैं तो उस चीज को आप इसको नोट कर लीजिए। द प्रपोजिशन फॉर इज इनकरेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट, क्यों? When indicating the destination of our trip, we use the preposition to. Trip to destination, जो भी destination दिया होगा। Okay. The next one is, सबसे पहले बताइए क्या ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है आपको? अगर लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज, ही इज वरीड फ्रॉम लॉसिंग हिज पैरेंट्स। बताइए यहाँ पे कौन कौन सी प्रपोजिशन है? प्रपोजिशन तो एक ही है, मीन्स क्लियर आपको पता चल रहा है कि फ्रॉम में कुछ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो ये तो काफी बड़ा हिंट आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्लू हमने आपको दे दिया है आपके पीटी एग्जाम या आईएलटीएस एग्जाम में या बैंक एसएससी के क्लोज टेस्ट में, पीटी के फिल इन द ब्लैंक्स में, इस टाइप की कोई हेल्प आपको नहीं मिलेगी कि आपको हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि प्रपोजिशन मिस्टेक है, बट यहाँ आपको पता चल रहा है। अब आप तो काफी एक्यूरेसी के पास आ चुके होंगे और अपने करेक्ट आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट होना चाहिए। प्लीज जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट होना चाहिए। ओके, आई सपोज कि आपने लिख दिया है, अब हम रिवील करते हैं करेक्ट आंसर को। द करेक्ट आंसर इज ही इज वरीड अबाउट लूजिंग हिज वॉलेट। नाउ द प्रपोजिशन फ्रॉम इज
इनकरेक्ट ठीक है, फ्रॉम जॉन की जगह आपको अबाउट यूज करना चाहिए, वर्ड अबाउट ठीक है। शॉर्ट में मैं फिर से ये बताना चाहूंगा, एक लिस्ट बना लीजिए जो मैंने भी 3 मिस्टेक्स आपको बताई हैं ठीक है, कि ट्रिप टू डेस्टिनेशन होगा और वरीड अबाउट ये भी एक लोकेशन होगा ठीक है। तो नेक्स्ट वन, शी इज लुकिंग फॉर एट हर मास्टरपीस पीस। दो प्रपोजिशन है सेंटेंस में और आपको पता है कि प्रपोजिशन लेसन चल रहा है हमारा, इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज सबसे पहले तो अगेन आपको कहूँ, यही टास्क है कि आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है, आई मीन इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। आप जल्दी से टाइप कर दीजिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर रिवील करता हूँ और उसका लॉजिक भी आपको बताऊंगा। जी जी ठीक है, ओके। नाउ फॉर में मिस्टेक है या एट में मिस्टेक है? दोनों रॉन्ग है, मे भी हो सकता है मे भी नहीं। देखिए एक चीज तो बता दूं कि लुकिंग फॉर एक कोलोकेशन है, हमेशा लुकिंग फॉर ही आएगा। अब क्या करेक्ट होना चाहिए? एक्चुअली एट इज अननेसेसरी यूज्ड हियर, एट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेंटेंस के अंदर। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, द प्रपोजिशन फॉर एट इज इनकरेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। व्हेन सर्चिंग फॉर समथिंग वी यूज द वर्ब लुकिंग फॉर डायरेक्टली फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट वी आर सर्चिंग फॉर विदाउट एनी एडिशनल प्रपोजिशन। देयरफॉर फॉर शुड बी यूज अलोन टू इंडिकेट हर सर्च फॉर हर मिसप्लेस कीज। ओके, सो अगेन एट इज इनअप्रोप्रिएटली यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट, देयर इज नो यूज, नो रिकमेंडेशन, नॉट रिक्वायर्ड एट इन दिस। ओके, द नेक्स्ट वन, द बुक इज इन द टेबल। क्या लगता है? अपॉन द टेबल भी हो सकता है, ऑन द टेबल भी हो सकता है, इनटू द टेबल, क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? दोनों लॉजिक। सो प्लीज इन द कमेंट बॉक्स राइट डाउन योर करेक्ट आंसर एंड प्लीज गिव मी योर लॉजिक आल्सो कि आपके अकॉर्डिंग वो आंसर करेक्ट क्यों है। अगर आपको लग रहा है अपॉन आना चाहिए तो क्यों, ऑन आना चाहिए तो क्यों, इनटू आना चाहिए तो क्यों, व्हाई, इफ इन इज राइट देन व्हाई, ठीक है बताइए। द करेक्ट आंसर इज द बुक इज ऑन द टेबल। रीजन, द प्रपोजिशन इन इज इनकरेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। व्हेन डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ समथिंग स्पेशली ऑन अ सरफेस वी यूज द प्रपोजिशन ऑन, देयरफॉर ऑन शुड बी यूज्ड टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द बुक्स पोजिशन ऑन द टेबल। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस को टच कर रहा है तो वहां पे ऑन आएगा, ठीक है, सरफेस के अंदर की तरफ है तो इन आएगा, ठीक है राइट, सरफेस के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसको टच नहीं कर रहा है तो अपॉन आएगा, या वहां पे कोई मूवमेंट हुआ है तो अपॉन आएगा, ओवर की मूव कर रहा है तो वो ओवर होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी इस सेंटेंस में ऑन द टेबल इसलिए है क्योंकि वो सरफेस यानी कि जो टेबल का जो टॉप होता है उसको वो टच कर रहा है, देयरफॉर ऑन द टेबल, ठीक है। तो अगर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है, तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के और वीडियो चाहिए आपको, अलर्ट चाहिए तो बेल आइकन को क्लिक करें, और आपको फर्दर कोई हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे अदर वीडियोस का वेट करिए प्लीज, हम आपको इसके आगे की भी सीरीज तैयार कर रहे हैं जो आपको
जल्दी ही मिलेंगी, जिसके बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना पड़ेगा। ओके थैंक यू। एंड आपका असाइनमेंट और चेकलिस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली दे दूंगा। थैंक यू।